हेलो नमस्ते राधे राधे, वेलकम टू अवर चैनल कपल पालनपुर वाला। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं मेहसाणा जिले के विसनगर उंझा हाईवे पर स्थित तरफ गांव में, जो जाना जाता है श्री वालीनाथ भगवान के मंदिर व इतिहास के लिए। श्री वालीनाथ महादेव का ये मंदिर स्वयंभू है और श्री कृष्ण भगवान द्वारा द्वापर युग में स्थापित किया गया था, और आज कलयुग में इस मंदिर का नवनिर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित दिग्गज नेता हाजिर रहे थे। तो आज इस मंदिर के इतिहास को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यह मंदिर गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर के बाद दूसरे स्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, और इसके इतिहास की अगर बात करें तो तरफ गांव उत्तर गुजरात में रूपेण और सरस्वती नदी के बीच बसा हुआ है। तरफ के पास वाल्मीकि ऋषि का तप क्षेत्र वालम था, और ऐठौर गणपति यात्रा धाम भी बसा हुआ है। इस तरफ गांव का नाम रबारी समाज के एक भक्त तरभुवन जी के नाम से रखा गया है, जो मूल राजस्थान के थे और यहाँ पे आके बसे हुए थे। इस मंदिर का इतिहास 900 साल पुराना है। तरभुवन जी अपनी कुलदेवी श्री चामुंडा माता के दर्शन के लिए हर साल सुंधा जी चलकर जाया करते थे, और वो वीरमगिरी जी महाराज को अपना गुरु मानते थे। वृद्ध होने के कारण तरभुवन जी अब पैदल सुंधा जी नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि माँ, अब आप मेरे पास आके बस जाओ, मैं अब और नहीं चल सकता। तब श्री चामुंडा माता जी ने तरभुवन जी के सपने में आकर उनसे कहा कि जहाँ पर वीरमगिरी जी महाराज का तप क्षेत्र है, वहाँ पे मेरा निवास है। फिर क्या था, तरभुवन जी अपने गुरु वीरम जी के पास पहुँच गए, पर वो पहुँचते उससे पहले ही वीरमगिरी जी समाधि अवस्था में थे, और उनको भगवान श्री वालेनाथ के, श्री चामुंडा माता श्री और गणेश जी के दर्शन हुए। तरभुवन जी ने जाके फिर वीरमगिरी जी से अपने सपने के बारे में कहा, तब गुरु जी ने तरब गांव की इस पुरातन भूमि में से श्री वालीनाथ महादेव, श्री चामुंडा माता और श्री गणेश जी की मूर्तियां बाहर निकलवाई। फिर इस जगह पे रबारी समाज के साथ मिलके इस मंदिर का निर्माण हुआ, और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बना। भगवान श्री वालीनाथ जी का ये नवनिर्मित मंदिर 1.45 लाख घन फुट विस्तार में फैला हुआ है। इस मंदिर को पुरातन नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की रचना में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 101 फीट, लंबाई 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट है, यानी कि ये गुजरात में सोमनाथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। यह वालीनाथ महादेव धाम, जिसे वालीनाथ अखाड़ा भी बोला जाता है, जो 900 साल पहले श्री वीरमगिरी बापूजी ने इस मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद इस धाम में आचार्य और महंतों की परंपरा शुरू हुई है।
तो अभी तक कुल 14 महंतों ने इस वालीनाथ महादेव की गादी को संभाला है, जिसमें सबसे पहले महंत थे श्री वीरमगिरी जी बापू और आखिर में 14वें जो महंत है वो श्री जयराम गिरी जी बापू कोठारी स्वामी श्री दशरथ गिरी जी फिलहाल इस वालीनाथ महादेव धाम के गादी को संभाले हुए हैं। तो दोस्तों ये श्री वालीनाथ भगवान का मुख्य मंदिर है, पुराना मंदिर है। इसी मंदिर के सामने नया मंदिर श्री वालीनाथ महादेव जी का बनाया गया है। अगर आपको भी यहाँ पे आना है, इस मंदिर में दर्शन के लिए आना है, तो आपको महसाणा आना रहेगा, महसाणा से आपको फिर विसनगर आना है, या फिर आप महसाणा से सीधा ऊंझा भी आ सकते हो। ऊंझा विसनगर जो रोड है उसी रोड पर ये वालम के बाद तरब गाँव है, तरब गाँव में आपको श्री वालीनाथ भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो भोजनशाला है वहाँ पे दोनों वक्त आपको फ्री में निशुल्क भोजन पर्याप्त होता है, तो आप इस हिसाब से अपना प्लान करके आ सकते हैं। और यहाँ पे रहने और खाने दोनों की व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से कर दी जाती है, तो आप आ सकते हो, बहुत बेहतरीन मंदिर बना है। आशा है कि आप सभी को हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस व्लॉग के नीचे कमेंट करिए, व्लॉग को लाइक करिए, आप अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।